तो दोस्तों बात करते हैं हम ये वीडियो के अंदर गोल्ड और उसके सपोर्ट के बारे में, उसके टारगेट, उसके रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस के बाद क्या हमें टारगेट देखने को मिल सकता है उसके बारे में। लास्ट वीक के अंदर जो है वो तो कुछ खास रहा नहीं, बस एक रेंज के अंदर जो है वो 500-600 पॉइंट के अंदर जो है वो अपने को समेट के रखा था, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। बात करते हैं पहले उसके सपोर्ट जोन के ऊपर, फिर बात करते हैं उसके टारगेट के ऊपर। तो उसका पहला जो सपोर्ट जोन बनेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि हमें ध्यान में लेना है, 50,800 के 50,775 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर पाते हैं तो 50,625 नीचे का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है, उसके नीचे 50,460 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। 50,460 का जो लेवल है उसके नीचे काटना और उसके नीचे क्लोजिंग करने का मतलब है यहाँ से एक बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, और फिर लगभग लगभग जो है वो हमें 50,250 से लेकर 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो आप जो है वो ये अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करें तो थोड़ा सा सतर्क रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। हमारा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों 51,150 से लेके 51,250। हम जो है वो अगली एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जून की एक्सपायरी जो है वो अभी होने वाली है। तो 51,150 से 51,250 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ हम पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो 51,550 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जो है वो 51,775 का जो लेवल है वहाँ तक जो है वो हम जा सकते हैं दोस्तों, और 775 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करना, क्लोजिंग करना काफ़ी बड़ी चाल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, और 51,925 से लेके 52,200 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल यही मानना है दोस्तों कि जब तक ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके सस्टेन ना करने लगे, इंट्राडे में अगर जाता है तो 1-2 घंटे वहाँ पर अगर रुकता है 51,250 के ऊपर, तो ऊपर की जर्नी देखने को मिल सकती है, और अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ करता है तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और नीचे में उसका अहम सपोर्ट बनेगा दोस्तों 50,800 से 50,775 का लेवल, ठीक है। ये 25 पॉइंट का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल अगर काटता है नीचे की तरफ तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये काटता है तो फिर नीचे के ये जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर जो है वो मार्क करते थे लेवल, उसकी जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर जो है वो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, और आपका जो लाइक है दोस्तों वो हमारा हौसला बढ़ाता है, तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।